सुस्तो, अगर आपने अभी तक अपना एक YouTube चैनल को क्रिएट नहीं किया है तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके आपको अपने एक अपना चैनल नया जरूर क्रिएट कर लेना। वो भी जो है आप लोगों को बताऊंगा क्यों आप लोगों को एक नया चैनल बना लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे जो है आप अपने चैनल को कुछ ही मिनटों में जो है आप इसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाना काफ़ी आसान है और यहाँ पर जो है आप अपने स्किल को डाल करके, आप अपनी वीडियोज को डाल करके जो आप यहाँ से भाई लाखों रुपये कमा सकते हो। आज मेरे को भी देख सकते हैं कितना सारा सेटअप जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और जो आप भी जो है अपने YouTube चैनल को बना करके आप जो वहां पर अपने स्किल को डाल सकते हो, आप भी जो अपने टैलेंट को दिखा करके अच्छे रुपए कमा सकते हो। जो कि आज के दौर में अगर देखेंगे, आप लोग ने सुना भी होगा कि YouTube से जो है कितना रुपया कमाया जा सकता है, आप सुने होंगे शायद, आपको ये जो है फ्रॉड लगता होगा। तो जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, YouTube पर अगर आप एक वीडियो बनाते हो, अगर आप अपना एक चैनल को क्रिएट करके, तो वहां पर जो है आप लाखों रुपए कमा सकते हो, जो कि आप शायद कहीं पर जॉब करके उससे नहीं पा सकते हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे जो है आप अपने एक नए चैनल को क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आ रहे आप लोगों को वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना। सो अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल पर प्यार नहीं जताया है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए मैं ऐसी नॉलेजर वीडियो जो है लाते रहता हूं, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जी हां गाइस, तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे जो है आप अपने चैनल को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर आपको चैनल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक जीमेल आईडी की जरूरत लगती है। अब आप लोग बोलोगे कि जो हमारे मोबाइल पे जीमेल आईडी है, क्या मैं उसी से जो है चैनल को क्रिएट कर सकता हूं, मैं उसी से जो है मैं चैनल को बना सकता हूं? जी हां गाइस, आप बना तो सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन गाइस यही रहेगा कि आपको उस आईडी से अपने चैनल को क्रिएट नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल पर एक नई जीमेल को क्रिएट करना है, उससे आपको अपने चैनल को क्रिएट करना है, जिससे YouTube जो है आपके नए जो आईडी होती है ना, जब आपका नया चैनल जब क्रिएट होता है ना, तो उसका जो है ज्यादा सजेशन भेजता है, तो उसका जो आपका चैनल होता है वो वायरल होने के काफी ज्यादा चांस होते हैं, वहां पर जो आपकी वीडियोज में व्यू आने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जीमेल बनाना नहीं जानते हो, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे जो है आप जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में जाना है, देन आपको अपना जो यूट्यूब एप्लीकेशन होता है, आपको यूट्यूब एप्लीकेशन ही ओपन करना है। वैसे तो आप सेटिंग से जाकर के, जीमेल एप्लीकेशन से जाकर के वहां से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में ही जाना है, और वहां से आप देखेंगे यहां से लोगो पे क्लिक करेंगे, और देन यहां से क्लिक करने के बाद अगर देन उसके बाद आप यहां देखेंगे आपकी जो पुरानी आईडी होगी वो यहां पर शो होगी, अगर नहीं है तो वहां पे सिंपल सा सीधा साइन इन करने का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपल सा आपको अगर जीमेल पुरानी है तो आपको उसी जीमेल आईडी पे एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां क्लिक करते हो तो आपके सामने और अगर दूसरी आईडियां होती है तो वो सारी आपके सामने इस तरह से ओपन होके आ जाती हैं, लेकिन आपको ऊपर के साइड में देख रहे होंगे यहाँ से अकाउंट लिखा हुआ है, देन उसके बाद आपके सामने देख रहे होंगे वहां पर एक, यहाँ पर देखेंगे एक प्लस का आइकन शो हो रहा है, तो सिंपल सा आपको प्लस वाले आइकन पर देन क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपका ऑप्शन आ चुका है साइनिंग, देन आप यहाँ से आप एक क्रिएट अकाउंट देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से आप एक नया अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि नई जीमेल आईडी आपकी यहाँ से बन जाएगी। तो सिंपल सा आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद फॉर माई सेल पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप कोई भी नाम डाल लेना, लेकिन जब आप चैनल जब हम क्रिएट करेंगे तब वहाँ पर भी आप चैनल का नाम जो है क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम सिंपल सा डाल लेता हूँ मोनू व्लॉग, चलिए मोनू, और यहाँ डालता हूँ कुमार, मोनू कुमार। देन उसके बाद यहाँ से सिंपल सा नेक्स्ट करता हूँ, बहुत आसान तरीके से आप सीखेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डे डाल देना है, कोई भी दिन, दिन मतलब तारीख, देन उसके बाद आपको यहाँ से मंथ कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद एयर्स, एयर्स में आपको क्या करना है, लगभग आप यहाँ भी जो भी एयर डाल रहे हो वो 18 प्लस होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा, वो 18 साल जब होगा तभी जाके मोनेटाइज होता है। तो सिंपल सा चलिए हम यहाँ से 2000 कर रहा हूँ, तो सिंपल सा आप इस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ से जेंडर पर जाना है, यहाँ से आपको अपना जो जेंडर हो वो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप यहां से नेक्स्ट करते हो तो अब यहां से देखेंगे क्रिएट ये जीमेल आईडी, तो आप यहां से कोई भी एक जीमेल आईडी को क्रिएट कर लेना है। तो चलिए यहां से सिंपल सा मैं एक कोई भी जीमेल आईडी को यहां से क्रिएट कर लेता हूं, देख सकते हैं यहां से मैंने एक सिंपल सी जीमेल आईडी को क्रिएट किया है। और यहां से आपको क्या करना है, यहां पर कोई भी स्पेस नहीं देना है, अब देने ये जीमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट करके चेक करता हूँ ये जीमेल आईडी अवेलेबल है नहीं, तो अवेलेबल है। देन उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी एक पासवर्ड डाल लेना है, चलिए इसको पासवर्ड यहाँ डाल देते हैं, कहते हैं यहाँ पर हमने जो है पासवर्ड भी डाल लिया है। देन उसके बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है।
तो आपकी जो जीमेल आईडी वो बनकर पूरी रेडी हो चुकी है। सिंपल सा आपको यहाँ पर ISIM पर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है, इस तरह से नेक्स्ट करते जाना है। इस तरीके से जो आपकी जीमेल आईडी है वो पूरी बनकर रेडी हो जाएगी। सो गाइस, जैसे ही आपकी जीमेल आईडी क्रिएट हो जाती है, देन उसके बाद सिंपल सा दोबारा से फिर आपको इसी लोगो पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको इसी जीमेल आईडी पर यहीं पर क्लिक करना है और इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो जीमेल आईडी सारी हैं वो ओपन हो जाएंगी। और सबसे नीचे के साइड में देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने नई जीमेल आईडी को क्रिएट किया था हमने, वो जीमेल आईडी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपल सा आपको उसी जीमेल आईडी पर एक बार क्लिक करना है। तो देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ नीचे नो चैनल, तो क्या करने वाले हैं हम, एक नया चैनल क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपल से जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो वो जीमेल आईडी आपके सामने आ जाती है। अब दोबारा से फिर इसी लोगो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद अब आपको यहाँ देख सकते हैं योर चैनल का एक ऑप्शन आ रहा है। सिंपल सा आपको योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपके सामने देख सकते हैं, यहां से आपको अपना जो YouTube चैनल बनाने वाले हो उसके ऊपर एक लोगो लगा सकते हो, यानी आप एक पिक्चर लगा सकते हो। देन उसके बाद आपका नेम, यहां से आप अपना नेम चेंज कर सकते हो जैसे कि अपने चैनल का। देन उसके बाद अब यहाँ से और एक नया ऑप्शन आ गया, अभी जो यूट्यूब का एक हैंडल आ गया ऑप्शन। तो सिंपल से चलिए यहाँ से हम सब कुछ बताएंगे कैसे क्या आपको करना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं यहाँ से जो है एक पिक्चर्स को यहाँ से इस पिक्चर्स को यहाँ मैं लगा लेता हूँ। तो सिंपल से इसको यहाँ पर क्लिक करना है। देन नीचे के साइड में देखेंगे सेव ए प्रोफाइल पिक्चर्स, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपकी जो देख सकते हैं यहाँ से जो आपका एक लोगो तैयार हो चुका है, यानी एक पिक्चर्स लग गई। देन उसके बाद नेम, आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो, यानी यहाँ का जो भी नाम डालोगे वो आपका यूट्यूब चैनल का नेम होगा। तो चलिए यहाँ से हम मोनू व्लॉग डाल देते हैं, वी मोनू व्लॉग। देन उसके बाद मोनू व्लॉग डालने के बाद देन आपको यहां पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और देन उसके बाद यूट्यूब हैंडल, इसके बारे में मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूट्यूब हैंडल के पूरे बारे में। तो सिंपल सा आपको इसको चलिए छोड़ देते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हो तो हमारा जो चैनल है वो एक नया चैनल बनकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा चैनल है वो बनकर रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से प्लेलिस्ट आ गई आपकी, और देन जैसे ही आप वीडियोज डालना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ से आपकी वीडियोज भी आ जाएंगी। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं क्रिएट यानी वीडियो डालने के लिए बोल रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ से वीडियो अपलोड नहीं करने वाले हैं। तो सिंपल सा देख सकते हैं हमारा जो है पूरा चैनल तैयार हो चुका है। और देन अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो देख सकते हैं आज 15 दिसंबर 2022 है, तो आज का दिन जो है पूरा आज ही के दिन हमारा चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसलिए जो भी डेट है ये आपकी यहाँ पर लाइफ टाइम रहेगी, कब आपका चैनल जो क्रिएट हुआ था। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा किसी ने किसी के चैनल पे कि यहाँ पर इंस्टाग्राम का लोगो और यहाँ पर काफ़ी सारा जो है आप डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ होता है, तो वो भी जो डिस्क्रिप्शन से इधर लिखने के लिए क्या होता है, यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ एक पेन का ऑप्शन दिखा रहा है। सिंपल सा आपको पेन वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको क्या सा ऑप्शन मिलता है, ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन का। तो सिंपल सा आपको इसी डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो भी यहाँ से डिस्क्रिप्शन डालोगे वो डिस्क्रिप्शन में आपका जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पर आपका लिखकर आ जाता है। तो सिंपल से यहाँ से वेलकम डालकर हम सेव कर देते हैं, तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा वो वेलकम लिखकर आ जाएगा। और यहाँ से यूट्यूब बैनर लगाने के लिए सिंपल सा आपको इस कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको एक यूट्यूब बैनर बना लेना है। इसके बारे में हमारे चैनल पर एक वीडियो डेडिकेटेड है, वो इसको देख करके आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख सकते हो। आप लोगों को अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर देन उसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जैसे आपको यहाँ आता है देन होम पेज में चले जाना है। देन यहाँ से नीचे साइड में देखेंगे आपका एक यूट्यूब एप्लीकेशन होगा, नहीं है तो आप यहाँ से सर्च बार में जाकर के यूट्यूब सर्च कर सकते हो। और सर्च करने के बाद देन चलिए हम यहाँ से यूट्यूब जो है इसे ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको अपने जो यूट्यूब का जो लोगो दिखा रहा है देन इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो देन उसके बाद आपको यहाँ पर स्विच अकाउंट का एक ऑप्शन दिखा रहा है, सिंपल सा आपको स्विच अकाउंट पर क्लिक करना है। और स्विच अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो आईडी जो अभी आपने क्रिएट किया था उसी आईडी को देन यहाँ पर देख लेना है, और देखने के बाद उसी आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं सबसे नीचे हमारी वो आईडी आ रही है, तो सिंपल सा चलिए हम इसी आईडी पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद गाइस अब जैसे आपकी ये आईडी सिलेक्ट हो गई देन उसके बाद दोबारा से यहीं पर सर्च बार में जाना है। तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ से सर्च करना है studio.youtube.com, तो देन इसके बाद इसको सर्च कर लेना है। सिंपल सा जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे आप डायरेक्टली जो है अपने यूट्यूब का जो स्टूडियो पेज
होता है वहां पर चले जाएंगे। तो अब आप लोगों को यहां बताता हूं कैसे जो है आप यहां से अपनी जो सेटिंग जो है सारी कर सकते हो चैनल की। तो सबसे पहले नीचे के साइड में जाएंगे, यहां जूम करके दिखाता हूं, ये देख सकते हैं यहां से सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाएगा। सिंपल सा आपको इसी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो तो आपको दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक चैनल का ऑप्शन दिखाता है। सिंपल सा आपको चैनल वाले ऑप्शन पे जाना है और चैनल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद देन आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट एंड कंट्री जो है आपको यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से आपको इंडिया जो आपकी कंट्री हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ से कुछ कीवर्ड्स आते हैं जिस रिलेटेड आपका चैनल है। मान लीजिए आपका चैनल टेक्स रिलेटेड है या ब्लॉग रिलेटेड है या फिर आपका कॉमेडी रिलेटेड है, तो उसी रिलेटेड जितने भी चैनल है उसी रिलेटेड जो आपके फेवरेट चैनल है तो उनके चैनल का नाम यहां डाल दिए, ताकि उससे यह है कि जो कोई अगर वो लोग सर्च करते हैं उस चैनल से तो आपके भी वीडियोस देन चैनल सर्च में आने के काफी चांस होते हैं। तो सिंपल से चलिए हमारा यहां से मान लीजिए ब्लॉग चैनल है, यहां पर हम अपने ब्लॉग से रिलेटेड काफी टैग्स जो है यहां पर हम डाल लेंगे। तो चलिए हम यहां से कुछ जो टैग्स है वो डाल लेता हूं। सो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से अपने मिलते जुलते जो है आपको जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके जो चैनल का जो चैनल है ब्लॉग का, इस तरीके से जो भी चैनल है वो आपको यहाँ इस तरीके से डाल लेना है। और जो भी आप यहाँ पर जिसका भी चैनल का नाम डालेंगे, नाम डालने के बाद दिन आपको सिंपल सा इस वाले ऑप्शन तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तब जाकर के आपका जो टैग्स यहाँ पर लग जाता है। दिन उसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस वाली सेटिंग में जाना है और देन उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं क्या सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं या अगर आप किड्स से रिलेटेड वीडियोज बनाते हो, यानी अगर आपकी वीडियो जो बना रहे हो बच्चों से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर एस के क्लिक करना, या फिर आपकी वीडियो जो है बच्चों से रिलेटेड नहीं है, कुछ सिखाने वाली है या और कुछ है जिसमें बच्चे नहीं देख सकते हैं, तो आपको सिंपल से यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। अगर आप बच्चों रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहे हैं तो नो पर ही क्लिक करना है। देन सिंपल सा नीचे साइड में जाना है, आपको यहाँ पर कुछ भी जो है आपको यहाँ पर छेड़खानी नहीं करना है। देन उसके बाद जाना है फ्यूचर एंड एलिजिबिलिटी पर। अब यहां पर आप लोग देखेंगे वन स्टेप जो है आपका ये पूरा एनेबल है, लेकिन जो दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप है ये एनेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो आपको इसको एनेबल करना पड़ेगा। तो सिंपल सा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा है इसमें देख सकते हैं वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट की जो वीडियो 15 मिनट की जो वीडियो है आप नहीं शूट कर सकते हो। कस्टमाइज थंबनेल, यहां से आप कोई थंबनेल नहीं लगा सकते हो, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो जब तक आप अपने मोबाइल नंबर से अपने चैनल को वेरीफाई नहीं कर लेते हो। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इस वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो गाइस जैसे ही आप यहां पर ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। सिंपल से यहां से आपकी जो कंट्री चूज कर लेना, यहां से आपको नंबर डालना और गेट कोड पे क्लिक करके आपके मोबाइल पे कोड आएगा और उसको डाल करके आप अपने चैनल को वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए जब ये सारे कर लोगे तो ये दोनों आपके जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएंगे। एक्सेस यहाँ पर इसको भी क्लिक कर देना, ये दो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से डन हो जाएंगे, देख सकते हैं। देन उसके बाद अपलोड इस पर जाएंगे तो इसको पड़े रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद परमिशन में यहाँ पर देख सकते हैं इसे, बस यहाँ से जो है सारा कुछ जब हो जाए तो सिंपल सा आपको यहाँ सेव का एक ऑप्शन दिखा रहा है, सिंपल सा सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो ये सेटिंग्स हैं जो आपके चैनल पर वो सेव हो जाएंगे। देन उसके बाद अब यहाँ पर जाएंगे, एक और ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइजेशन का, तो सिंपल सा आपको कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। चलिए यहाँ से जाने के बाद देन अब यहाँ से बहुत सारी चीजें आती हैं। देन उसके बाद ब्रांडिंग में जाएंगे, यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हो और देन उसके बाद दूसरे नंबर देखेंगे यहाँ से आप YouTube बैनर को लगा सकते हो। तो मैंने वहाँ से YouTube वाले एप्लीकेशन से बता दिया कैसे आप बैनर वहाँ से भी लगा सकते हो। यहाँ पर होने के बाद सिंपल सा आपको बेसिक इन्फो पर जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने जो है यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जो आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में आता है वो भी मैंने YouTube एप्लीकेशन से बता दिया है। तो यहाँ से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। देन उसके बाद आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो Instagram का लिंक होता है, Facebook का लिंक होता है, इस तरीके से कोई वेबसाइट का लिंक होता है, तो सिंपल से देख सकते हैं यहाँ से ऐड लिंक का एक ऑप्शन दिखा रहा है। सिंपल से ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे Instagram का लगाना है तो यहाँ पर क्या लिख देना है, Instagram लिख देना है। दिन उसके बाद आपको Instagram की आईडी जो है यहाँ पर सामने कॉपी कर देना है। तो जब कॉपी कर दोगे इस तरीके से जो आपका Instagram वहां पर लग जाएगा आईडी। तो इस तरीके से जो है आप अपने चैनल को सारी जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर कर सकते हो। जब यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा दिन उसके बाद यहाँ से देखेंगे एक पब्लिक का ऑप्शन दिखाएगा। सिंपल सा आपको पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपकी जो सारी यहाँ पर कस्टमाइजेशन किया सारे ये जो है सेव हो जाएंगे, पब्लिश हो जाएंगे। दिन उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो आपको इसी के साइड में ऊपर देखेंगे यहाँ पर क्रिएटर का यहाँ
पर एक ऑप्शन दिखाएगा, तो क्रिएट पर आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपलोड वीडियोस पर क्लिक करना है। और जैसे ही अपलोड वीडियोस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपकी जो भी वीडियो है यहाँ पर डाल करके अपलोड कर सकते हो। नहीं तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर जल्द ही आने वाला है, कैसे आप अपने वीडियोज को बेस्ट तरीके से अपलोड कर सकते हो। सो अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल पर प्यार नहीं जताया है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो जो है लाते रहता हूं।